कैसे हो मेरे दोस्तों। और आज है जानवी दी का बर्थडे और केक कटिंग होने वाली है। तैयार रहिए। और आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ हमारी रिंकी दीदी से, रवीना दीवान, एडवोकेट रवीना दीवान। और आंटी आ जाओ। जानवी, गॉड ब्लेस यू। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं गाइस? आई एम मिसेस दीवान, आई एम मदर ऑफ थ्री यंग किड्स, सो द टू यंग गर्ल्स आर हियर बट माय सन इज नॉट हियर, ही इज कमिंग, वी आर वेटिंग फॉर हिम। ये वी विल कट द केक एंड विल जॉइन यू, विल शेयर यू द पिक्चर्स एंड विल जॉइन यू वेरी सून। ओ बाय। पर आ गया तो भाई केक की अगर मैं आपको तो केक तो इस केक के बारे में जानवी दी बताएंगी। मैं क्या बताऊंगी भाई, तो और कौन बताएगा? This is very spongy, it will not fit here. Okay, I'll tell you about the cake. So, yes. ये केक जो है वो नवरात्रि का केक है। This is ice cream cake और okay. ओके उसको पेस्ट देने के लिए एंड इसमें पर फ्रूट्स है जो आप नवरात्रों में खा सकते हैं। इसमें किवी है, इसमें एप्पल है, इसमें चेरी है, इसमें ब्लूबेरी है और रसबेरी है और लाइक बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। और ये जो केक है ये थियोब्रोमा का है एंड क्योंकि काफ़ी अभी गर्मी हो रही है तो ये चॉकलेट जो है ये पिघल रही है, तो 22 से 2 हो गई है वहाँ पे, इसलिए 2 कैंडल्स -20। और इस पे आसपास जो है अखरोट लगा है, तो ये चॉकलेट वॉलनट केक है जो कि काफी अच्छा होता है। और ये हम दोबारा कर लाए थे जो कि बहुत ही सुंदर था। हाँ, बहुत सुंदर है, अभी भी काफी फूला हुआ है। लाइफ सिर्फ 7 से 8 घंटे होती है, ओके, ये खराब हो गया है और ये ऐसे नीचे हो गया है। इसके अंदर देखिए काफी सारे ग्लिटर्स हैं जो कि वो बहुत ही सुंदर बनाते हैं गुब्बारे को, बट सैडली अभी ये खुश हो गया है। कोई बात नहीं केक कटिंग के लिए पिक स्टिल शी इज ऑलवेज अ प्रिंसेस, तो प्रिंसेस के लिए एनीथिंग, नया गुब्बारा भी ले आएंगे हम। बिल्कुल। तो भाई ये थे हमारे दोनों सिस्टर्स, हमारा एक भाई यहाँ पे है नहीं, वो बाहर घूम रहा है, तो आने उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। केक तो अभी हमने रख दिया क्योंकि हमारा भाई अभी आने वाला है, तो हमने सोचा चलो भाई के आते ही केक कटिंग करेंगे तो जब ही मजा आएगा। इसकी चॉकलेट पिघल रही है, चॉकलेट नहीं है, इसकी Happy birthday to you.